अभी रास्ते में एक व्यक्ति ने मुझे रोका और कहता है, राहुल जी मैं छोटा बिजनेस चलाता हूं, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। मैंने कहा कैसे और क्यों? कहता है, राहुल जी नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, बैंक के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। फिर मैंने पूछा ये क्यों किया इन्होंने, और एक सेकंड में जवाब आता है, राहुल जी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए किया। सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान और हरियाणा की सरकार 2-3 अरबपतियों के की मदद करने के लिए चलाई जा रही है। नतीजा यह है कि जो भी पहले आपके पास रोजगार के रास्ते थे वो सारे के सारे एक के बाद एक बंद हो गए। पहले स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्री हरियाणा को रोजगार देती थी, वो बंद कर दी गई। आपके लोग सेना में जाते थे, देशभक्ति की आग उनके दिल में होती थी, वो जाते थे, वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बंद कर दिया है। भाई और बहनों, आप जानते हो अग्निवीर क्या है? आप जानते हो अग्निवीर क्या है? क्या है अग्निवीर? क्या है बताओ? मैं आपको बताता हूं, अग्निवीर हिंदुस्तान के जवान से उसकी पेंशन, उसकी कैंटीन और उसका शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। ये योजना इसीलिए बनाई गई है कि हमारे जवानों को पेंशन ना देनी पड़े, उनके परिवारों को कैंटीन ना देने पड़े, और जब वो शहीद हो तो उन्हें शहीद का दर्जा ना देना पड़े। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, सरकारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वो सारी की सारी बंद कर दी गई हैं, प्राइवेटाइज कर दी गई हैं। जहां भी आप देखो आपको अदानी अंबानी नाम दिखाई देगा। अग्निवीर योजना की, जवानों से उनका पैसा छीना, मगर लक्ष्य अदानी डिफेंस को, हिंदुस्तान का डिफेंस बजट पकड़ाने का था। आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल सर्च कीजिए, उस पे आप लिखिए अदानी डिफेंस, मीटिंग के बाद आप करना, और आपको दिखेगा चमकता हुआ वेबसाइट। उसमें अलग अलग हथियार दिखेंगे, राइफल, पिस्टल, कारतूस, तोप, ड्रोन्स, उस वेबसाइट पे सारे के सारे दिखेंगे। मगर सच्चाई यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाता है। वो सारे के सारे हथियार विदेशी कंपनियां बनाती हैं, ड्रोन इसराइल की कंपनी बनाती है, हथियार इसराइल की कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अदानी को डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, इसीलिए विदेशी कंपनियों के हथियारों के ऊपर अदानी का लेबल लगता है। एक तरफ जवानों से उनका पेंशन छीना जाता है, उनका शहीद का दर्जा छीना जाता है, उनकी ट्रेनिंग कम की जाती है, और दूसरी तरफ वही पैसा सीधा अदानी के जेब में जाता है। यहां पे ड्रग्स की इशू है। सब लोग जानते हैं हरियाणा में कि ड्रग्स फैलता जा रहा है। मोदी जी से मैं पूछता हूं, जब आपके मित्र अदानी जी के मुद्रा पॉट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया, तो आपने इसके बारे में क्या कार्रवाई की? कितने लोग जेल भेजे? किसको आपने जेल भेजा? यहां आप अपने भाषण में बताइए, हरियाणा की जनता को बताइए, जब मुद्रा पॉट में, अदानी के पॉट में हजारों किलो ड्रग्स मिलता है,
तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करते। अमेरिका गया, अमेरिका में हरियाणा के युवाओं ने मुझे फोन किया, कहते राहुल जी हरियाणा में हमारा कुछ नहीं बचा इसलिए हम अमेरिका भाग के आए हैं, आप आइए हमसे मिलिए। डैलस में जाके मैं मिला, छोटे से घर में, एक कमरे में 15-20 लोग रहते हैं, हरियाणा के युवा रहते हैं। मैंने उनसे पूछा भाइयों आप यहां क्यों आए, वही जवाब जो आज मुझे यात्रा में मिला, राहुल जी हरियाणा में हमारे लिए कुछ नहीं बचा, एक तरफ महंगाई है दूसरी तरफ बेरोजगारी। मैंने पूछा भाइयों अमेरिका जाने के लिए कितने पैसे लगे, कहते हैं 35 लाख से 50 लाख रुपए लगते हैं। कैसे गए, राहुल जी हरियाणा से मुंबई, मुंबई से इस्तांबुल, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से सुरीनाम, सुरीनाम से पनामा, फिर पनामा के जंगलों में से निकलकर हम अमेरिका पहुंचे। रास्ते में हमने अपने मित्रों को मरते हुए देखा है, नाव डूब जाती है हमारे भाई मर जाते हैं, माफिया के लोग पकड़ते हैं हमें, पनामा के जंगल से निकलते हैं, घने जंगल हैं वहां पे माफिया के लोग हमें गोली मार देते हैं। मैंने कहा भाई ये सब करके आप क्यों जा रहे हो, कहते हैं हरियाणा में कुछ नहीं बचा। फिर मुझे कहते हैं राहुल जी आप हमारे लिए एक काम कीजिए। क्या करूं, जब आप वापस जाएंगे आप हमें हमारे परिवारों से मिलिए। कहते हैं राहुल जी हम 10 साल के लिए अपने परिवारों से नहीं मिल सकते हैं, अगर हमारे घर में कोई किसी की मृत्यु होती है हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, हम वापस नहीं आ सकते, आप जाके हमारे परिवार से मिलिए और उन्हें हौसला दीजिए कि हम ठीक है। तो मैं आया, करनाल आया 5 बजे सुबह, उन्हीं युवाओं के परिवारों से मिला, 15-20, 35 लोग। अजीब सी बात थी, करनाल में बच्चे माताएं और अमेरिका में बच्चों के पिता, चीखता हुआ बातचीत चल रही है, मैं परिवारों से बात कर रहा हूं, वहां पे जूम कॉल लगी हुई है, वीडियो कॉल चल रही है, एक तरफ अमेरिका से बात हो रही है, एक तरफ यहां बात चल रही है, ये 21वीं सदी का हरियाणा बना रखा है। एक बच्चा चीख कर चिल्लाता हुआ कंप्यूटर की ओर दौड़ता है, ऐसे कंप्यूटर को पकड़ के कहता है पापा 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 वापस आओ, पापा वापस आओ। पापा जो रोना चाहता है वो मुस्कुराता है और कहता है बेटा घबराओ मत, मैं कुछ ही दिनों में वापस आऊंगा। मगर ये सच नहीं है, वो पिता अपने बेटे को 10 साल के लिए नहीं देख पाएगा। सच्चाई ये है, बेटे का नाम देव है, देव जैसे हरियाणा में लाखों बच्चे हैं जो अपने माता जो अपने पिता को नहीं देख पाएंगे, 10 साल के लिए नहीं देख पाएंगे, और वहां वो जो लोग हैं वो यहां वापस नहीं आ पाएंगे। माता की डेथ होगी, पिता की डेथ होगी, अंतिम संस्कार करने नहीं आ पाएंगे। ये है हरियाणा की सरकार की देन, क्योंकि ये है मोदी जी की देन कि हरियाणा में जो पहले रोजगार मिलता था वो सारा का सारा बंद कर दिया है। आपके जेब में से पैसा निकलता है 24 घंटे, आपके जेब में से पैसा निकलता है। पहले मोदी जी कहते थे गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए हो गया है, आज क्या है रेट गैस सिलेंडर का 1200। मोदी जी भाषण में कहते हैं कि मेरी सरकार में 1200 रुपए का रेट हो गया है, नहीं कहते, हमारी सरकार आएगी लिख के ले लो
1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। मतलब 700 रुपए, 700 रुपए जो आज आप गैस सिलेंडर में एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो 700 रुपए हम आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में वापस डालेंगे। 2000 रुपए हर महीना, पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो महिलाओं के लिए वही 2700 रुपए हमने हर महीना महिला के लिए वही बचा दिए। उसके बाद हरियाणा में आज किसान धान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार खरीद नहीं रही है। और हरियाणा के सारे किसान जानते हैं कि हरियाणा में उन्हें धान के लिए, गेहूं के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम नहीं मिलता है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सबसे पहला काम ये जो आपका धान सरकार नहीं खरीद रही है, इसको खरीदने का काम हम पहले दिन से शुरू कर देंगे और गारंटी करके हरियाणा के किसानों को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। पहले आपको जेल से फिरौती के कॉल आते थे, आजकल आपको विदेश से फिरौती के कॉल आते हैं। आते नहीं आते हैं? आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने बेरोजगारी का जाल फैला रखा है। इसीलिए हमने पता लगाया 2 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले हम कर देंगे, हरियाणा के युवाओं को हम दे देंगे। और ये जो रोजगार हैं, 2 लाख रोजगार जो हैं, ये 36 बरादरी के लोगों को जाएंगे, ये किसी एक कम्युनिटी को नहीं जाएंगे, किसी एक वर्ग को नहीं जाएंगे। हरियाणा के 36 बरादरी के युवाओं को ये 2 लाख रोजगार न्याय के साथ, समानता के साथ बांटे जाएंगे। गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री बिजली और राजस्थान जैसा 25 लाख का बीमा, हेल्थ केयर का बीमा योजना आपको मिलेगा। देखिए, ये संविधान है, इसको अच्छी तरह देखिए। जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, दलितों को, किसानों को, पिछड़ों को, जो भी मिला है आज तक, वो इसके कारण मिला है। अगर राजनेता हमारे जैसे लोग आपके लिए काम कर सकते हैं तो उसका कारण ये है। और बीजेपी 24 घंटा इस पर आक्रमण करती है, आपको बताते नहीं है, मगर जब आरएसएस के लोग हिंदुस्तान की संस्थाओं में अपने लोग डालते हैं, अपने लोग भरते हैं और पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को जगह नहीं देते हैं, तो वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी अदानी की मदद करते हैं, अंबानी जैसे लोगों की मदद करते हैं और हिंदुस्तान का जो रोजगार का सिस्टम है उसको नष्ट करते हैं, तो वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। लड़ाई इसी बात की है। अगर आपको बीजेपी और कांग्रेस में फर्क समझना है, मैं आपको एक लाइन में समझा दूंगा। वो इसको खत्म करते हैं, हम इसकी रक्षा करते हैं। आप देखिए, संविधान में लिखा है
संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के सब नागरिक एक जैसे हैं, समान हैं, सबको एक वोट मिलना चाहिए। उसका मतलब है कि अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी बनाओ तो देश की जनता के लिए पॉलिसी बनाओ। जब नरेंद्र मोदी 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों 25 अरबपतियों के माफ करते हैं और किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स का कर्जा माफ नहीं करते हैं, माताओं बहनों का कर्जा माफ नहीं करते हैं, तो वो इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जब नरेंद्र मोदी अदानी जी को मदद करने के लिए 3 काले कानून लाते हैं, किसानों की जिंदगी खत्म करने के लिए कानून लाते हैं, तो वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको 24 घंटा टीवी पे दिखता है, अदानी अंबानी की मीडिया जब 24 घंटा उनका चेहरा आपको दिखाते हैं, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है। आपने कभी मीडिया में किसान का चेहरा देखा है, मजदूर का चेहरा देखा है, गरीब कारीगर का चेहरा देखा है ना? क्यों नहीं? क्या इस देश में सिर्फ अरबपति और नरेंद्र मोदी हैं? मीडिया में आपने किसी गरीब व्यक्ति की शादी होते हुए देखी है? देखी कभी अंबानी की शादी? देखी आपने? आपको मालूम है कि अंबानी जी ने अपनी शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। ये किसका पैसा है? ये किसका पैसा है? आपका पैसा है। आपको शादी करने के करवाने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। बैंक लोन लेकर आप अपने बच्चों की शादी कराते हो और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा ढांचा ऐसा बना रखा है कि 25 लोग हिंदुस्तान में हजारों करोड़ रुपए की शादी कर सकते हैं, मगर किसान कर्जे में डूबकर ही शादी कर सकता है। अगर यह संविधान पर आक्रमण नहीं है तो फिर क्या है संविधान पर आक्रमण? तो यह हम बदलना चाहते हैं। मैंने तो अपना मन बना लिया है, हरियाणा की सरकार भी यह करेगी। देखिए, कल भाषण में हुड्डा जी ने भाषण दिया, प्रियंका ने भाषण दिया, उदय भान जी ने भाषण दिया, कहा कि देखिए सब लोगों का सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सही बात है, होनी चाहिए, मगर मैं उसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। ये जो हिंदुस्तान बन रहा है जिसमें 25 अरबपति हैं, बैंक भी उनके, मीडिया भी उनका, एयरपोर्ट भी उनके, पोर्ट भी उनके, खेत भी उनके, जमीन भी उनके, उनकी, इसमें आम हिंदुस्तानी को सम्मान रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती है। सच्चाई है कि धन पूरा का पूरा इन 25 लोगों के हाथ में जा रहा है और आपके जेब में से 24 घंटा आपका पैसा छीना जा रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, प्याज के दाम बढ़ते हैं, जितनी जीएसटी मुकेश अंबानी देते हैं उतनी ही जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब किसान देता है। अगर वो 1500 रुपए की शर्ट खरीदे और अगर हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति वही शर्ट खरीदे, पैसे बचाकर अपने बेटे के शादी के लिए वही शर्ट खरीदे, तो जितनी जीएसटी मुकेश अंबानी ने दी उतनी ही जीएसटी वो किसान देगा। जब आप मिठाई की दुकान में जाते हो, मिठाई खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी मुकेश अंबानी, गौतम अदानी देते हैं। तो मैंने मन बना लिया है, मैं नोट कर रहा हूं,
जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी और अंबानी को देगा उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को देंगे। आपने अभी जो इन लोगों से मजा करवाना है करवा लो, जितना इनको नचवाना है नचवा लो, मगर जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन लोगों को नचवाएंगे, इन लोगों से मजा करवाएंगे। मेरे दिमाग में लाइन बिल्कुल क्लियर है भैया। मैं तो जैसे बैंक होता है ना, जैसे बैंक अकाउंट में इन आउट होता है ना, एक साइड पैसा अंदर आया दूसरी साइड पैसा बाहर गया, मैं वो रिकॉर्ड रख रहा हूं भैया। जितना उधर अंदर जा रहा है उतना ही, जितने रुपए अंदर गया उधर उतने ही रुपए मैं निकाल के यहां डालूंगा, और जितना मुझे रोकना है रोको भैया, जितनी मुझे अपनी मीडिया से गाली लगवानी है लगवा लो, जितना है रोकना है रोको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान की सरकार मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की सरकार होगी, और फिर जो पैसा इन्होंने उनको दिया है, 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का कर्जा माफ करेंगे। मतलब मेरा मतलब है, मोदी जी इज्जत की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, बिना धन के, बिना पैसे के इज्जत और सम्मान का कोई मतलब नहीं है। अगर व्यक्ति भूखा मर रहा है, अगर किसान के पास एक रुपया नहीं है और आप उसे कहो देखो भैया हम आपकी इज्जत रखेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। जब उसके जेब में पैसा होगा तो उसका सम्मान आपको करना ही पड़ेगा, आपकी चॉइस ही नहीं रहेगी। वो हिंदुस्तान चाहता हूं मैं। तो लड़ाई इसी बात की है। हरियाणा में भी इन्होंने नया काम किया है, पहले आधार कार्ड था अब परिवार का एक बना दिया है, क्या कहते हैं उसको, परिवार पहचान पत्र। अब मजे की बात देखिए, किसी कंपनी को 1,000-2,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देना था, कहा भैया नया काम करते हैं चलो परिवार परेशान पत्र बनाते हैं, चलो हरियाणा के परिवारों को परेशान करते हैं, कभी आपकी उसमें आमदनी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी आपको सरकारी प्रोग्राम से परे कर दिया जाएगा, रोजगार नहीं दिया जाएगा, और कहेंगे भैया देखो आपके परिवार परेशान पत्र में आपकी आमदनी ये है। सच्चाई कुछ और है। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पूरा का पूरा तमाशा कर दिया है, सबको तंग कर दिया है। ये जो इनका परिवार परेशान पत्र है, सरकार आएगी हमारी इसको खत्म कर देंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, देखिए लड़ाई इसकी है, बड़ी लड़ाई इसकी है, और हम इसको, ये अंबेडकर जी का संविधान है, गांधी जी का संविधान है, इसकी कांग्रेस पार्टी रक्षा करेगी, जान देकर हम इसकी रक्षा करेंगे, यही लड़ाई है। तीन चीजें मैं आपको अंत में कहना चाहता हूं। पहली बात, जो आपको धान का पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार आने ही हम आपको वो पैसा देंगे। दूसरी बात, ये जो सरकार बनेगी ये सबकी बनेगी, आपको रोजगार मिलेगा, सरकारी 2 लाख रोजगार मिलेंगे तो 36 बरादरियों को मिलेंगे, ये 36 बरादरी की सरकार होगी, ये याद रख लीजिए। और आखिरी बात, ये जो छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, मतलब लाइन लगी हुई है, ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है।
ये लड़ाई संविधान बचाने और संविधान को खत्म करने की लोगों के बीच में लड़ाई है। कहना नहीं चाहिए मगर यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं टाइगर जो हरियाणा में मतलब घूम रहे हैं बब्बर शेर, अच्छा जंगल में आपको कभी आप जाओ रणथंभौर या जंगल में जाओ तो आपको एक शेर दिखेगा। अकेले रहते हैं शेर, मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बाकी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, आप किसी भी जंगल में देख लो आपको शेर अलग अलग मिलेंगे। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। तो ये शेरों की पार्टी है, ये किसी से नहीं डरती है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं शेर हैं टाइगर हैं, 24 घंटा आप लगे रहते हो लाठी खाते हो। मैं जानता हूं कुछ भी हो जाए कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ये आरएसएस वाले लोग बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, इनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है, इनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सामने ये नहीं खड़े हो सकते, भाग जाते हैं। आप देखो, आपने देखा होगा, हवा में नहीं बोल रहा मैं, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी आए, पहले कहते थे 56 इंच की छाती है, याद है? अब भैया मेरा भाषण होता है पार्लियामेंट में, भाग जाते हैं वहां से। मैं आपको बताऊं, मैं भाषण देने आता हूं नरेंद्र मोदी उठ के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जो है, जिसको मैं मोहब्बत की दुकान कहता हूं, हमें नफरत की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में, हमारे दिल में नफरत है ही नहीं। कभी कभी कोई कहता है मुझे वो दुश्मन है, मैं कहता हूं नहीं, वो दुश्मन नहीं है, मैं दुश्मन से भी नफरत नहीं करता हूं, मैं बीजेपी नरेंद्र मोदी इन लोगों से नफरत नहीं करता हूं, मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं डरता नहीं हूं, मगर मैं नफरत नहीं करता हूं। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, हम डरते नहीं हैं और हमें आप जितना मारो, जितनी गाली दो, जितनी लाठी मारनी है मारो, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि देश मोहब्बत से बना है, यह देश नफरत से नहीं बना है। इस देश को नफरत से कभी कभी नहीं बनाया जा सकता है और कभी आगे नहीं ले जाया जा सकता है। अगर हरियाणा में बेरोजगारी आई है, पहले नंबर पे आप पहुंचे हो, क्राइम रेट पहले नंबर पे पहुंचा है, तो ये नफरत के कारण पहुंचा है। ये जो इन्होंने नफरत फैलाई है, इसके कारण हुआ है। जिस दिन यहां पे मोहब्बत की सरकार आएगी, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, अमेरिका में आपको जाना नहीं पड़ेगा, यहीं आपको रोजगार मिलेगा, यहीं खुशहाली होगी, यहीं किसानों को सही दाम मिलेगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। नफरत को मोहब्बत ही मिटा सकती है, और कुछ नहीं मिटा सकती। मैंने आपको, आपने मुझसे नफरत की, मैंने आपसे नफरत की, आपकी नफरत नहीं मिट सकती, कितनी भी नफरत डालूं मैं नहीं मिट सकती। आपने मुझसे नफरत की, मैंने थोड़ी सी मोहब्बत आपको दिखा दी, नफरत कट जाएगी। ये हमारा काम, और मैं कह रहा हूं मगर ये आप सबके दिल में है, मैं पहचान जाता हूं। आजकल क्या होता है देखो, मैं बताता हूं आपको, कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं, एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी, और एक मुझे ऐसे दिखता है,
मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए, अब बड़ा कंफ्यूजन है। वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, दो तीन बार चिल्ला भी लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है, और आप लोग मोहब्बत वाले बब्बर शेर हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।